पर बैठूंगा। डाक बंगला में हम लोगों को भी पीटा गया, कई कार्यकर्ता को ब्रेन में चोट लगा, एक डेथ कर गया, कई हॉस्पिटल में कई महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ है। और ये अत्याचारी व्यभिचारी सरकार एक चार सीटेड भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए शिक्षकों का न्याय नहीं देने का, 10 लाख की नौकरी का मुद्दा उठाने पर जिस तरह से ये लाठियों की बौछार की है, ये सरकार पूर्णतः आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्ति अपना ली है। राजभवन मार्च करेंगे, विधानसभा विधान मंडल के कस्टोडियन गवर्नर हैं, ये सरकार को संज्ञान ले, ये सरकार अब एक दिन भी राज करने के योग्य नहीं है। बीजेपी के गुंडे थे, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो बीजेपी के गुंडे थे, वो लाठी चला है, बीजेपी के गुंडे हैं, हम पर लाठी चलाया। अरे गुंडों की सरदार, जो जंगल राज लाने वाला गुंडा राज स्थापित कर रहे हो, तुम्हारा जंगल राज को भी मिटाए हैं, तुम्हारा गुंडा राज को भी मिटाएंगे। तुम्हारे लाठी और गोली से नहीं डरेगा भाजपा का कार्यकर्ता, हर गांव से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। मैं तो 2 बजे कहा था कि हमारा अनुपूरक में हमको डिबेट करना है, आने नहीं दिया इनके हस्तिनापुर के गुलामों ने। पहले हमको रोक दिया इनकम टैक्स के निकट, यहाँ आए तो यहाँ रोक दिया शास्त्री नगर थाना ले जाने के लिए, फिर विधानसभा के गेट पर छोड़ दिया। अब पूछिए उन लोगों से पूछिए, बैठेंगे जब तक के न्याय नहीं मिले। लेकिन आप नेता विरोधी दल है, आप सदन में ही नहीं जा रहे हैं, बताइए। हमारा लोगों की मौत हो गया, ये सरकार सुबह में बोलने नहीं दिया, आसन किस तरह से आसन की गरिमा को गिरा दिया, बोलने के लिए खड़े हुए अपनी बात रखने के लिए किस तरह से माइक बंद कर दिया, माइक किस तरह से आपको कैमरे को घुमा दिया। मेरे कार्य विधायक जब कैमरे का कहा कि कैमरा क्यों घुमा देते हो, तो उसी को मार्शल से बाहर कर दिया। ये मौत का दोषी कौन, मौत का दोषी कौन? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, ये गुंडों की सरकार है और ये गुंडे की सरकार अब राज करने के योग्य नहीं है।